खगोल शास्त्री। अब उनका चूंकि दृष्टिकोण भी जो है वो किस तरह का है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। नीतू हमारे साथ लगातार जंतर मंतर से जुड़ी हुई है। नीतू जरा बात करिए उनसे, आज के दिन को लूनर इक्लिप्स है और आज के दिन को किस तरह से वो देख रहे हैं और खास करके अभी वहां से किस तरह से नजारा दिख रहा है टेलीस्कोप के जरिए, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, इसीलिए मैंने अभी आप लोग बात भी कर रहे थे कि आज कोई खगोल शास्त्री मौजूद नहीं है तो मैं लेकर आ गई हूँ सर को। सर ये बताइए कि अभी जो चंद्र ग्रहण है वो लग चुका है, विज्ञान की नजरों से चंद्र ग्रहण कैसा नजर आ रहा है और क्या कुछ खास है? लेकिन मैम, जैसे हम विज्ञान की नजरों से आपने बात करी, अगर हम विज्ञान की कहें तो ये जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है ये कुछ नहीं है, ये हमारे आसमान में छाया का खेल है, परछाई का खेल है। और हम बहुत सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं, जिस तरह से हम छुपन छुपाई खेलते हैं ना, वैसे ये खगोलीय पिंडों की छुपन छुपाई है। तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये जब तीनों एक लाइन में आते हैं तो एक दूसरे पे छाया फेंकते हैं। और छाया दो प्रकार की होती है, एक डार्क होती है जिसको इंग्लिश में अम्ब्रल शैडो बोलते हैं, एक होती है लाइट जिसको हम पिनम्ब्रल शैडो बोलते हैं। आज इस तरह की ज्योमेट्री बन रही है कि हमारा जो मून है जो सामने आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी की पिनम्ब्रल जो लाइट छाया है, जो हल्की छाया है जिसको हम उपछाया के नाम से जा रहे हैं आजकल, उसके अंदर से जा रहा है और रात को 1:02 तक उसके अंदर से जाता रहेगा। तो जब ये उस छाया के अंदर से जा रहा है तो ये पिनम्ब्रल सोलर एक्लिप्स उपछाया का चंद्रग्रहण लग रहा है जो आपको सामने दिख रहा है। इसमें मून की लाइट थोड़ी कम हो रही है लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप जो देखेंगे तो आपको लगेगा यार ना तो कोई ग्रहण नहीं लग रहा है, या लोग बोलेंगे जो लेमैन है बोलेंगे नहीं लग रहा है, लेकिन उपछाया के अंदर से जब तक मून पास नहीं होगा, पूरा बाहर नहीं आएगा, इसकी पूरी ब्राइटनेस वापिस नहीं आएगी, ये धीरे धीरे ग्रहण बढ़ता जा रहा है। आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बहुत फर्क भी पता चलेगा। तो उपछाया के अंदर से जो चंद्रमा है और पृथ्वी की जो आंख मिचोली है वो चल रही है, वही आपको आकाश में देखिए। अभी हमारे स्टूडियो में एंकर्स मौजूद हैं, श्वेता मौजूद है, नवजोत मौजूद है, मैं यहाँ पर हूँ। देखिए आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे थे कि कोई खगोल शास्त्री नहीं है, अभी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस बीच मेरा एक सवाल है जी। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि कोई ग्रहण लगता है तो हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए उस दौरान, और उस दौरान जो हम खाना पीना खाते हैं वो खराब हो जाता है। क्या साइंस ये मानता है कि उस दौरान निकले नहीं या खाना खराब हो जाएगा या गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए? देखिए ये कई भ्रांतियां कई सालों से हमारे पूरे समाज में चल रही है, लेकिन आप अगर साइंस की नजर से देखें तो ऐसा कोई भी एविडेंस या प्रूफ हमारे पास नहीं है। अभी हम लोग यहाँ खड़े हुए थे, आप भी थे, आज ये उपछाया पड़ रही है। इवन जो टोटल सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स थे उस समय भी हम लोगों ने खाना खाया है, गर्भवती महिलाओं ने भी देखा है। तो ऐसा कोई भी एविडेंस या साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा परहेज करना चाहिए। मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे हम पृथ्वी पर आंख मिचोली आपस में खेलते हैं, जैसे हम छुपन छुपाई खेलते हैं, वैसे ये सारे ग्रह ऊपर आप आंख मिचोली खेल रहे हैं, वही आंख मिचोली चल रही है, उसको देखे। ऊपर बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, हम इधर सीट में बैठे हुए हैं, हमको इस सेलेस्टियल इवेंट को एंजॉय करना चाहिए, इसके अलावा कोई डरने की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए श्वेता और नवजोत तो हमें खगोल शास्त्री बता रहे थे कि चाहे ग्रहण कौन सा भी हो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक गेम है। नीतू यहाँ पर हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, सर को जरा ये भी बताइए खगोल शास्त्री जी को कि हम लोग भी एक पर्व की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब आप गुड न्यूज टुडे पर हो तो गुड न्यूज टुडे का मकसद ही ये है कि आप तक अच्छी खबरें, सकारात्मक खबरें पहुंचाना और आपको पॉजिटिव रखना। हम ग्रहण काल पर चर्चा जरूर कर रहे हैं, इसके दोनों पहलुओं पर बात कर रहे हैं, और दोनों पहलुओं पर बात करने का मकसद सीधे तौर पर यही है कि हम लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाएं। और यहाँ पर जो ज्योतिषियों का पैनल है वो भी इस बात को मानता है कि इसको पर्व के तौर पर ही हमें देखना चाहिए और इससे हमको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिसे ग्रहण करने की जरूरत है। बिल्कुल, मनीषा कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और तमाम हमारे, देखिए आप हमारा पैनल कितना बड़ा है, खगोल शास्त्र की कमी थी वो भी नीतू ने पूरी कर दी है। बहुत धन्यवाद नीतू, आप लगातार हमारी बात सुन रही थी। अब हमारा पैनल हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया और हर तरफ की बात हम सुन रहे हैं और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। मनीषा जी, देखिए अभी अभी आप चूंकि जुड़ी हैं तो जरा ये बताइए, हम विक्रमादित्य जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया कि अक्सर हम जब भी ग्रहण का जिक्र करते थे, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, तो हम कहीं ना कहीं अंदर से डर जाते थे, या उस डर उस भय के साथ हम जिक्र करते थे कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलत इस ग्रहण काल के दौरान ना हो जाए और
किसी का भी किसी तरीके से कुछ बुरा ना हो, लेकिन आज इन्होंने बताया कि हम भी शुरू से ये सनातन धर्म में ये माना गया है कि ग्रहण काल पर्व का काल होता है और ये इसको पर्व की श्रेणी में ही हम लेते हैं, तो उसी दृष्टिकोण से और उसी पूरे फील के साथ हम इस सेलिब्रेट इसे कर रहे हैं। तो जरा आप बताइए कि आपका क्या नजरिया है इस ग्रहण काल को लेकर के, और अब चूंकि ग्रहण काल में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं तो इस बीच लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ मिथ्याएं सी जुड़ी हुई हैं, लोग हियरन से इसे चलते आ रहे हैं, स्टोरी सुनी है तो लगता है कि ग्रहण जो है वो डर पैदा कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप ही के मंच पे कितने शोज अब तो हम लगातार कर चुके हैं जब भी ग्रहण आता है और हम यहाँ होते हैं और यही हमेशा कहते हैं कि डरना नहीं है। ग्रहण का जो समय है, देखिए बहुत सारी बातें, हम जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात हम कर रहे थे तो हमने तब भी कहा भी सूर्य ग्रहण होकर गया है कि कुछ न्यूज हमें ऐसी सुनने को मिलती है, क्या वो आपको और मुझे अफेक्ट कर रही है, हमें पर्सनल लाइफ में अफेक्ट कर रही है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुझे ये चीज लगती है, सबसे पहली बात, ग्रहण का मतलब है कंज्यूम करना, एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, तो हम नेगेटिविटी अपने अंदर क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें पॉजिटिविटी हम एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे। बहुत ही पावरफुल पीरियड होता है, स्पेशली जब हम आज चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं तो बुध पूर्णिमा का दिन भी है, ये अपने आप में बहुत पावरफुल दिन है, फुल मून मेडिटेशन लोग करते हैं, तो ये समय इतना पावरफुल है कि आप किसी भी मंत्र को जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। एक बार सिर्फ ओम का एंचांट भी किया जाए तो वो भी अपने आप में कई गुना बढ़िया जो है वो फल लेकर आता है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब आप एस्ट्रोलॉजर्स की कैलकुलेशंस को सुनते हैं ना, तो कुछ न्यूज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस समय में, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, उनको सुन के डर नहीं पैदा करना, बल्कि एक क्यूरियोसिटी की तरह, क्योंकि मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूं और मैंने इसको हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह देखा है, रिसर्च की तरह देखा है। तो आप देखिए, हम आप ही के चैनल पर कह के गए थे कि इसी दौरान जो है वो कहीं ना कहीं भूकंप के झटके जो है, स्पेशली जहां असर दिखाई देता है, जहां पर ये ग्रहण दर्शनीय है नजर आता है, तो देखिए सूर्य ग्रहण के दो दिन बाद ही इंडोनेशिया में, न्यूजीलैंड में जो अर्थक्वेक के झटके जो है वो देखे गए थे। किसी नेता या अभिनेता की जो दुखद खबर है उनसे जुड़ी वो आ सकती है, तो देखिए पंजाब में जो है वो प्रकाश सिंह बादल जी की दुखद खबर हमें सुनने को मिली। तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एज जो है ऐसी खबरें सुनाई देती हैं, मौसमी बदलाव हो, और ये कभी भी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि कभी भी ऐसा सिर्फ ग्रहण के कारण जो है वो नहीं कर सकते, बहुत सारे प्लैनेट्स जी मनीषा जी होता है। बिल्कुल, अरुण शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, नंदिता जी भी। नंदिता जी, अक्सर जब भी ग्रहण होता है तो अक्सर आप एक प्रेडिक्शन करती हैं देश और दुनिया को लेकर, आपने सूर्य ग्रहण के दौरान भी की थी, अब चंद्र ग्रहण है, क्या आपकी प्रेडिक्शन कहती है इसको लेकर और कितने आने वाले कितने दिनों तक की ये प्रेडिक्शन है? देखिए, क्योंकि ये उपचाया ग्रहण है, उपचाया ग्रहण में क्या होता है कि स्थितियां जो होती है 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का इसको असर करती हैं। जो सूर्य ग्रहण था वो पूर्ण सूर्य ग्रहण था, और मैंने ये पहले भी बोला था कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की जो पूरी पेरिफेरी है वो आने वाले 3 महीने में रिफ्लेक्ट करेगी और चंद्र ग्रहण के साथ ओवरलैप कर रही है। अभी भी ये चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, ये जापान वगैरह का पूरा एरिया, आप देखें आज ही आपकी उसमें चैनल में मैं देख रही थी कि जापान में भूकंप आया। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये बहुत एक नेचुरल कैलामिटीज ग्रहण के आसपास आना एक अमूमन देखा जाता है, उसमें आप कोई उसको दो राय नहीं कर सकते या कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाज होते हैं, आप डेटाज को चेक करेंगे आपको वैसे ही नजर आएगा। दूसरी बात, जो प्रेडिक्शन की बात करते हैं, अगर हम भारत के दृष्टिकोण से करें चंद्र ग्रहण की या इंटरनेशनल लेवल में करें, सबसे पहले तो स्वाति नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र जो है उसके लॉर्ड होते हैं राहु, और जो दूसरी चीज यहाँ पे जो अंत में जा रहा है, नक्षत्र खत्म हो रहा है, जब ग्रहण खत्म हो रहा है तो नक्षत्र उस समय जो वो है वो विशाखा नक्षत्र पड़ेगा, गुरु का नक्षत्र, और गुरु उस समय राहु के नक्षत्र में है। तो ये जो इंटरचेंज और ये कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम जो भी ग्रहण की जो पाथ है उस पाथ में तो तकलीफें आएंगी ही आएंगी। अब ये मैंने बोला था, अंतरकला भी 2 दिन पहले आपके शो में बोल रही थी कि अंतरकला रहेगी भारत के अंदर, और मणिपुर में आप देखिए जिस तरह से सिविल राइट्स की स्टेटस हो गई है और एक्सोडस हो रहा है हिंदूज का वहां से, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। मूड स्विंग्स होते हैं एकदम से, मास लेवल पे ज्यादा ग्रहण असर करता है राधर देन इंडिविजुअल लेवल, और ये मैं शुरू से बोल के आई हूँ कि एक मास बेस को लेकर के या एक बड़ी समुदाय को लेकर या बड़ी जगह को स्थान को लेकर के ग्रहण का असर ज्यादा देखा जाता है। जैसे सत्ता पलट हुई, शेयर मार्केट्स में अपेवल हो जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम में क्रैशेस होते हैं,
एक तरह से युद्ध की जैसी स्थितियां बॉर्डर स्टेट्स में पड़ने लगती हैं, उस तरह के टेररिज्म एक्टिवेट होता है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। जो सकारात्मक एस्पेक्ट है उसमें हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, जैसे आज। बिल्कुल नंदिता जी, आएंगे आपके पास, अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, बताया ये जा रहा है जो पश्चिमी देश है उन पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा, और इस वक्त जो खास करके रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, कहीं ना कहीं जो इस वक्त ग्रहण काल है उसको जोड़ करके वहां पर देखा जा रहा है, तो कोई कनेक्ट है क्या इसका? देखिए, ओवरऑल प्लानिटरी को देखने की आवश्यकता है। अभी जिस प्रकार से ग्रहण तो है ही है, चंद्र ग्रहण पड़ा, अभी ग्रहण एक और हो गया, और उसके बाद कल जो अभी 3 दिन बाद चंद्रमा मंगल का परिवर्तन जो भयावह हो रहा है, मंगल क्षीण अपनी सबसे कमजोर अवस्था में आ रहे हैं, और उसके बाद शनि मंगल के साथ षडाष्टक योग बन रहा है, और उसके बाद शनि वक्री होंगे, और साथ साथ शनि मंगल का सप्तम युति बन जाएगी, यानी सप्तम जो जो आपस में युद्ध वो स्थिति बनेगी, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा सामने आ जाएंगे, वो आने वाले 90 दिन हर तरह से भयावह दिखाई देते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर, चाहे वो प्राकृतिक तौर पर, या चाहे वो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है और भयावह हो सकती है। और आज भी हम लोगों ने जिस प्रकार से एक चैनल पे थे हम लोग, और वहां पर उन्होंने जब प्रश्न आया तो मैंने प्रश्न लग्न से देखा, जेलेंस्की इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देता, उनकी मारक का योग चल रहा है जिस प्रकार से उनकी स्थिति चल रही है, और युद्ध जो है और भयावह स्थिति में जा सकता है ऐसे में। और जातक के दृष्टिकोण से यदि देखें, हम इंडिविजुअल भी तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रभाव कैसे पड़ता है उसको भी पहले समझना चाहिए। ये नहीं है कि सूरज निकला और सूरज की किरण आई और उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। ये सारा का सारा प्रभाव जो है एक मैग्नेटिक फील्ड के तरह एक प्रभाव करता है, और उसके जो है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोगों ने उसको एनालाइज किया, और उसको हमने एक कैलकुलेटिव तरीके से देखा, लिखा, और फिर उसके बाद उनको योगा योग में परिवर्तित करके उनकी परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हम व्यक्ति विशेष पर भी लगाते हैं। तो जिन जिन जातकों का मंगल इस वक्त दोषित है, मंगल उनकी कुंडली में कमजोर है, क्षीण है, कमजोर है, या पापग्रस्त है, या अशुभ भावों में ग्रसित है, नवांश में शुद्ध नहीं है, उन लोगों के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बनेंगे आने वाले समय में। तो मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, झगड़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह समय काफी ज्यादा दिक्कतें कर सकता है। क्योंकि आने वाले समय में 90 दिन तक मैंने कैलकुलेशन करने का समझने का प्रयास किया है, लेकिन मैं इसके साथ में आध्यात्मिक, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में कई बार बात करी कि सुपर नेचुरल इफेक्ट को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम कथा सुनते हैं तो मुझे दो आधे मिनट टाइम और दीजिएगा, तो मैं यहां पे एक बात रखूं कि हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना एक विश्वास को जगाने की बात की गई। हनुमान जी को भगवान राम ने जब लंका में भेजा तो पहले से विभीषण को बिठा रखा था, तो विभीषण जब गए, यानी परमात्मा ने हर जगह कोई ना कोई प्रकृति ने एक सुरास्ता बना रखा है। तो मैं कहूंगा योगा योग के दृष्टिकोण से अभी मंगल का जन्मदिवस आ रहा है, साथ साथ शनि का जन्मदिवस आ रहा है, ये मुहूर्त है, इनमें यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका लाभ लेने का प्रयास करें तो आप समझेंगे कि आपके जो पुण्य है जागेंगे, और नेगेटिव जो है प्रभाव जो है उसको आप शून्य कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे पर्व जो है ये आपके नेगेटिव कर्मास को पॉजिटिव कर्मा में कन्वर्ट करने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको समझाने का प्रयास किया गया। ज्योतिष यही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु नेगेटिव से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ज्योतिष को कई बार कहते हैं, डराते हैं, अरे भाई तो डॉक्टर भी तो बताता है कि ब्लड टेस्ट करने के बाद तुम्हारे को ये बीमारी है, अगर बताएगा नहीं तो इलाज कैसे करोगे, फिर तो वो एक दिन समस्या बनकर आपके सिर पे पड़ेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर तो जरूरत ही नहीं ज्ञान की। पर विक्रमादित्य जी, बताने का भी तरीका होता है, बताने का तरीका ही है ना, तो आप कुछ समझना ही नहीं चाहता, कोई कहता पंडित जी मुंह में उंगली रखे रखिएगा तो कैसे। अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर, चाहे नंदिता जी की बात हम सुन रहे हैं या फिर विक्रमादित्य जी बता रहे थे, ग्लोबली जब हम उसके असर की बात कर रहे हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस दौर में ज्यादा बढ़ सकती है, या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? देखिए, ऐसा है, चंद्रमा के विषय में जो विक्रमादित्य जी ने कहा उन्हीं बातों को मैं जोड़ते हुए, और जो आपने एक चंद्रमा की सबसे मेन चीज क्या है कि चंद्रमा एक ऐसी राशि का मालिक है, और चंद्रमा स्वयमेव एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिसको कहें कि मासूम बनाता है, और चंद्रमा सिर्फ एक ही राशि का अधिपति है जो है कर्क राशि। तो इस वक्त जो ग्रहण हमारा लगा है तुला राशि में लगा है, स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण से शुरू होकर विशाखा नक्षत्र में इसकी समाप्ति है, और चंद्रमा से ठीक यदि आप सप्तम देखें तो दृष्टि लगन में पड़ रही, जहां पे 4 ग्रहों का योग बना हुआ है, बृहस्पति, राहु, बुध, और इसके साथ साथ जो है वहां पे जो स्थिति इनकी चंद्रमा की दृष्टि जा रही तो लगन में जा रही। अब चंद्रमा जिनका पीड़ित है, ये बड़ा शुभ अवसर है व्यक्ति को अपने जीवन में चंद्रमा को ठीक करने का। भाई, हमारे अंदर डर भय पैदा कौन करता है?
मन करता है, चंद्रमा मालिक किसका है, मन का है, मनोबल का है, मानसिकता का है, चित का है, चिंतन का है, माँ का है, अर्थात पूरा गेम हमारी जो लाइफ में है वो मन से है। यदि आप मन से बलिष्ठ हैं तो किसी भी विषम परिस्थिति में आप संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं, और मन से यदि आप निर्बल हैं तो व्यक्ति बड़ी छोटी से छोटी चीज में हार जाएगा। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी धरोहर क्या है, उसका अपना मनोबल है। तो जिनके भी चंद्रमा छठे, आठवें, बारहवें हैं, चंद्रमा यदि शनि के साथ है तो विष योग बनता है, चंद्रमा यदि सूर्य के साथ है तो क्षीण योग बनता है, चंद्रमा यदि राहु के साथ है तो ग्रहण योग बनता है, और चंद्रमा जैसे केतु के साथ है तो ग्रहण योग बनता है। अब जिनका भी चंद्रमा पीड़ित है वो इतना सुवर्ण समय है ये कि कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, इस वक्त यदि जाप करते हैं, पाठ करते हैं और आप अंतःकरण में कुछ भी ना करें, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उससे भी आपकी चंद्रमा ठीक होगी। आपने जो एक चीज पूछी कि चंद्रमा क्या मन से संबंधित है या चंद्रमा मन में डर भय पैदा करता है, हृदय को संवेदनशील करता है, निश्चित रूप से करता है, और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है कि हमारे नवग्रहों में यदि उसकी गणना की जाए तो अकेले चंद्रमा 20% संख्या ले जाता है, बाकी के ग्रहों की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो मन के गति का कारक है, और जब भी हमारे जीवन में कोई घटना घटती है उस वक्त चंद्रमा का हाथ निश्चित रूप से होता है, और उस ग्रह का हाथ जिसकी महादशा है, कहीं ना कहीं से अध्ययन करेंगे तो शनि महाराज का हाथ। क्यों? कि वो न्यायदाता है, कर्मदाता है, कर्मफलदाता है, न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, और जिस क्षण घटना घटेगी अच्छी या बुरी उस वक्त चंद्रमा का हाथ जरूर। और जिस तरह से आपने कहा कि चंद्रमा जो है, चूंकि हम जानते हैं कि वो मन का कारक है, और इसलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो इसीलिए इस बात को समझते और जानते हुए दिवाकर जी के पास हम चलेंगे और उनसे हम राशिवार भी जानेंगे, क्योंकि एक बार फिर से अब आपको बता दें वो तमाम लोग जो जीएनटी के दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण पर आप ये महा कवरेज देख रहे हैं हमारे साथ, जिसमें तमाम आप देख सकते हैं ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ खगोल शास्त्री भी जुड़े हुए हैं। हम सीधे अपनी संवाददाता नीतू झा के पास चलते हैं जो कि जंतर मंतर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नीतू, चूंकि चंद्र ग्रहण 8:44 से शुरुआत उसकी हो चुकी थी, खगोल शास्त्री भी आपके साथ वहां पर मौजूद हैं, वो तमाम लोग भी हैं, क्या ये बताइए कि अभी भी लोगों में उतना ही कौतूहल है या लोगों ने अब देख लिया कि चंद्र ग्रहण जो है किस तरह से दिल्ली से कोई देख सकता है? बिल्कुल श्वेता, देखिए लोग तो अब देख चुके हैं, क्योंकि अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में खड़े हैं अभी इस वक्त हम, तो यहाँ पर अब लोग तो जा चुके हैं, लेकिन खगोल शास्त्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे एक सवाल है मेरा जो शायद आपका भी होगा और तमाम जो हमारे दर्शक हैं जेएनटी के उनका भी होगा, तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। सर, हमें ये बताइए कि क्या प्रकाश की किरणों का भी कोई फर्क पड़ता है? जैसे ग्रहण है तो सूर्य से जो रेज होती हैं वो चांद पे जाती हैं, चांद से वापस आती हैं, तो इंफ्रारेड या यूवी या रेडियो वेवलेंथ जैसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में जो प्रकाश आ रहा है, चाहे चंद्रमा से आए चाहे सूर्य से आए, उन प्रकाश की किरणें हमेशा सूरज की ही होती हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य के प्रकाश को ही हमारी तरफ फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सूरज से हमारे पास में इंफ्रारेड भी आती है, यूवी रेडिएशन भी आती है, और भी कई तरह की रेडिएशन आती हैं। तो वो रेडिएशन जब आती है तो हमारे पृथ्वी का जो एटमोसफेयर है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमको बचा के रखता है उन सबसे। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमारी पूरी मानव जाति और जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूवी से, इंफ्रारेड से बचाता है। इंफ्रारेड आती है, गर्म करती है हमारे पृथ्वी को, और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो प्रकाश आता है, उसको हम रिसीव भी करते हैं और सेफली रिसीव करते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी आती है, उसको भी हम सेफली रिसीव कर रहे हैं, और इतने सालों से कर रहे हैं, अरबों सालों से यहाँ पे हमारी पूरी मानव जाति बसी हुई है पृथ्वी के ऊपर। तो ये प्रूफ है कि उससे कोई ऐसी हानिकारक किरणें ज्यादा नहीं आ रही हैं जो हमको एकदम से खत्म कर पाए। दूसरा जो आपने मुझसे पूछा कि प्रकाश आता है, हाँ डेफिनेटली आता है। एक्लिप्स के टाइम पे प्रकाश का क्या होता है? तो जब एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि प्रकाश, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो प्रकाश जो हमारी आंखें होती हैं वो लाइट की तरफ सेंसिटिव होती है। आप किसी भी चकाचौन लाइट की तरफ देखेंगे तो आपकी आंख एकदम से बंद हो जाएगी, लेकिन हमारी आंखें जो है वो हीट की तरफ सेंसिटिव नहीं होती, इंफ्रारेड रे की नहीं होती है। तो जब टोटल लूनर सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा होता है, तो उस टाइम पर सन कवर हो जाता है मून से और कंप्लीट डार्क हो जाता है, लेकिन इंफ्रारेड रेज आ रही होती है। तो उस टाइम पे हम प्रोटेक्टिव गियर यूज करते हैं ताकि हम अपनी आंखों को बचा पाए। भाई अगर हम लूनर एक्लिप्स की बात, हाँ मैं उसी पे आ रहा था मैम, कि लूनर एक्लिप्स में क्या है कि ऑलरेडी प्रकाश जो है सन से आकर मून के ऊपर पड़ा है,
चंद्रमा के ऊपर पड़ा है, फिर रिफ्लेक्ट होकर आप हमारे पास आ रहे हैं, तो वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका है। तो आप लूनर एक्लिप्स जब भी देखेंगे तो आपको किसी प्रोटेक्टिव गियर की, गॉगल की या किसी भी तरह के फिल्टर की जरूरत नहीं, आप नेकेड आई देख सकते हैं, चाहे आप टोटल लूनर एक्लिप्स हो, बिल्कुल, चाहे पार्शियल लूनर एक्लिप्स हो। और अभी जो हम बात कर रहे हैं उपछाया, नीतू आपके साथ खास मेहमान मौजूद है, मैं चाहूंगी कि बिल्कुल आप उनको साथ ही रखिए, क्योंकि यहीं से काउंटर सवाल आ रहा है विक्रमादित्य जी स्टूडियो से, या उनसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारे वैज्ञानिक महोदय ने बताया कि सूर्य का प्रभाव होता है, ग्रहण का भी एक अलग तरह का प्रभाव होता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे आज से 1000 साल पहले भी ऋषि मुनियों ने यह समझाने का प्रयास किया। उस समय अगर किसी को, बहुत सारे लोगों के आंखें, नेत्र इत्यादि प्रभावित हुए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ग्रहण की छाया में मत जाओ, ग्रहण में घर में रहो, उसका प्रभाव पड़ता है। आज जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज आपने बहुत सारे इन्वेंशन करके, बहुत सारे अलग प्रकार के ग्लासेस का इन्वेंट कर लिया, बहुत सारे तरीके, हमारे यहां अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो हमारे कहा गया ग्रहण को नेत्र से नहीं देखो, उसकी प्रतिबिंब छाया से देखने का प्रयास करो, पानी में उसका प्रतिबिंब देखो, उसके बाद उसकी छाया के द्वारा उस ग्रहण के प्रतिबिंब को देखकर, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने भी उसी लाइन में शोध करने का प्रयास किया। बिल्कुल। लेकिन साधारण जनमानस को यह वैज्ञानिक शोध समझ में आएगा नहीं, उस तरह से क्वालिफिकेशन देने के लिए उन्होंने एक सूत्र से कहानी के रूप में उस बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में लोगों को उसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए कहा कि उसकी छाया से दूर रहो, घर के अंदर बैठो, घूमो मत, खेलो मत, कुछ और मत करो, कम से कम आध्यात्मिक उसका लाभ लेते हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देखिए, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक है, और यही बात धर्म कहता है और यही बात साइंस भी कह रही है। इसी पर मैं चाहूंगी एक जवाब उनसे ले लीजिए। देखिए, हमारे स्टूडियो में जो ज्योतिषाचार्य वहाँ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप साइंस के जरिए हमें ये बता रहे हैं कि आप सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि आप उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते। मैडम, बात को मिस इंटरप्रेट नहीं, अब पहले उनका सवाल सुन लीजिए। और आप साइंस जो कह रहे हैं वही बात आध्यात्म भी कहता है, वही बात हम भी कह रहे हैं। सालों पुरानी जो हमारे मतलब ग्रंथ है, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण में बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो रेज आती है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गलत तथ्य है, बात को मोड़ तोड़ के बता किया जाता है। मैंने ये आपको बोला ही नहीं कि सोलर एक्लिप्स के टाइम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोलर एक्लिप्स के टाइम में बाहर भी निकल सकते हैं, आप खा भी सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। मैंने बोला है कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पे आपको अपनी आंखों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव गियर यूज करने चाहिए। अगर हमारा, देखिए, मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, वही तो सर वो भी बोल रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मुझे अध्यात्म का इतना, मैंने जो वेद है और सब पढ़े भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हमारे अध्यात्म या हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं लिखा है कि आंखें खराब हो जाती थी, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, उस टाइम में शायद प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं होते होंगे, उस टाइम पे नहीं होते होंगे, तो वो लिखा गया, वो लिखा गया सर, वो भी यही बता रहे हैं हमें कि जो दोनों हैं, दोनों ही चाहते हैं कि लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। आपने उसको एक नाम दे दिया है, और जो जी मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए, तो उसको बाहर नहीं लिखे उस टाइम में, सबूत मैं बोलता हूँ, आज से 500 साल 1000 साल पहले ऐसा प्रोटेक्टेड नहीं होते तो नहीं देखना चाहिए था। जो लोग बाहर नहीं निकलते थे या लोगों को जानकारी नहीं होती थी कि किस तरह से होता है जब अर्ली टाइम पे ऐसे, तो उस टाइम पे लोग नहीं निकलते थे बाहर। लेकिन आज के टाइम पे हमें साइंटिफिक नॉलेज है, हमें जानकारी है, हमें ये पता है कौन सा प्रोटेक्टिव गियर हमको यूज करना चाहिए। चलिए, कुल मिला के नीतू ये वही बात कह रहे हैं, ये वही बात कह रहे हैं कि अब हमें पता चल गया है, यानी कि साइंस को अब पता चला है कि प्रोटेक्टिव गियर या फिर वो लेंसेज लगाकर अब हम देख सकते हैं। और यही आध्यात्म भी कह रहा है, जो विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि क्या कुछ कहते थे और क्यों कहते थे। एक बात और कहूंगा इसके अंदर, नंदिता जी मैं आ रही हूँ आपके पास, आचार्य जी अभी हमारे वैज्ञानिक महोदय बताने का समझाने का प्रयास कर रहे थे कि अब हम मॉडर्न हो गए हैं। भैया अभी कुछ दिन पहले, 2 साल 4 साल पहले की न्यूज है, जिसमें शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी अखबार में छपी कि पूरी बस के बहुत सारे लोगों ने सोलर एक्लिप्स के टाइम पे ग्रहण को देखा और आंखें खराब हुई। तो आज भी हमारी जनता वैसी नहीं है, नंदिता जी की बात रख रहे हैं, क्षेत्र में वैसे लोग। मेरा प्रश्न वापस साइंटिस्ट जी से है। देर हैज बीन एन एक्सपेरिमेंट साउथ में, पुडुचेरी की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वहां पे 2 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, एंड अंडर मरीन जो एनिमल्स होते हैं उन पे एक्सपेरिमेंट किया कि एक्लिप्स के समय उन पे क्या असर होता है। तो उनका जो कंक्लूजन ये निकल के आया, कि एक्लिप्स जैसी आता है उससे शुरुआत, जो हम सूतक काल कहते हैं, उस सूतक काल के समय से ही एनिमल्स अंडर द वाटर, बिल्कुल जो सी की बेड है उसके अंदर जाके छिपने शुरू हो जाते हैं, और वो उसके बाद निकलते हैं जब ग्रहण खत्म हो जाता है।
तो आप मुझे बताइए, जो जीव जंतु इतने किलोमीटर नीचे समुद्र की बेल्ट नीचे बेड पे हैं, सतह पे हैं, समुद्र के अंदर हैं, उनको ग्रहण का, एनिमल की इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ग्रहण का असर उनके ऊपर इतना ज्यादा है कि जो हम अपनी धार्मिक शास्त्रों में सूतक काल बोलते हैं, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी से टेंटेटिव टाइम से जुटते जुटते टाइम में उतने घंटे पहले से वो छिपना शुरू हो जाते हैं और एग्जैक्टली ग्रहण के बाद बाहर निकलते हैं. दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी. अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये साइंटिफिक स्टडी जो थी, तो क्या ये बात नहीं कर रही है कि सेंटियंट बींग्स, कोई भी जीव जंतु जो कि बोल नहीं सकता और ये नहीं कर सकता, वो भी बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं उनमें, पशु पक्षी एकदम से चुप हो जाते हैं, तो क्या आप उन सबकी इंटेलिजेंस को नकार देंगे क्योंकि आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते? यानी कि आप संस्कृत अगर नहीं समझ सकते, हमारे धर्म शास्त्र समझ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गलत है. गलती शायद आप में है कि आपने रिसर्च कर, यही बात संदीता जी, और इसी बात को लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे कि बहस इसी बात को लेकर है, साइंस और ज्योतिष दोनों के बीच में इसी बात को लेकर बहस है. और जैसा मैंने कुछ क्षण पहले यही कहा था कि कम से कम आज के दिन दोनों शायद एक लाइन पर आएंगे कि इसका पॉजिटिव असर हमें देखने को मिला, लेकिन अभी भी विरोधाभास है. श्वेता, बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी. बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा कि हमने, हम में से किसी ने नहीं कहा कि आप बाहर मत निकलिए. सूर्य ग्रहण के प्रोग्राम होते हैं, हम टीवी यहाँ रिकॉर्ड करने आपके लिए आते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि इतना अफेक्ट कर रहा है तो वो हम पर भी करना चाहिए ना. बिल्कुल, ये आपको बता दें कि 130 साल बाद ये महासंयोग लगा है जिसको लेकर हम तमाम जितनी भी जिज्ञासाएं जो आपकी हो सकती है वो हम अपने इस महापैनल से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और हर उस जिज्ञासा का जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं. और एक बहुत ही अच्छी बात जो अभी तक के हमारी चर्चा में सामने आई वो ये कि अध्यात्म शुरू से ये कहता आया है, जो कहीं ना कहीं बीच में शायद मिस इंटरप्रेट हो गया हो, कि ये जितने भी ग्रहण होते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, इसे हम पर्व के तौर पर हमें मनाना चाहिए, और ये काफी सकारात्मक होता है, ये एक ऐसा मौका होता है हमारे लिए कि जब हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमा सके. तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं लगातार, और वो दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि देखिए अब राशिवार हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहली बात जो वैज्ञानिक महोदय ने कहा, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम खुली आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते तो कहीं ना कहीं हम जो पहले कहते हैं कि घरों में रहना चाहिए, तो खुली आंखों से नहीं देखेंगे तो चश्मा लगाने की या एक यंत्र लगाने की जरूरत क्या है? फिर हमें छोड़ देना चाहिए, हमें कतई नहीं कहना चाहिए कि हम एक चश्मा लगाकर तब सूर्य को देखें. पहली बात, सामान्य स्थिति नहीं है तभी वो इस बात को कह रहे हैं. दूसरी बात कि जहां तक हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण को एक पर्व के रूप में या सूर्य ग्रहण को एक पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, तो जितनी भी ज्योतिषी गणनाएं हैं या ज्योतिष से संबंधित लोग हैं, ज्योतिषाचार्य लोग हैं, हम सभी लोग यही कहते हैं, चाहे मौनी अमावस्या हो. त्रिपाठी जी, आपकी भावनाओं का और तमाम जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं सबकी भावनाओं का पूरा सम्मान हो रहा है, और उन तक भी आपकी बात पहुंचा दी गई है, लेकिन अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप राशिवार जरा उन्हें बता दें कि इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है. मैं उसी पर आ रहा हूँ. तो कहने का अर्थ यह है कि हम एक पर्व के रूप में इसको निश्चित मनाते हैं, और हम सचेत करते हैं कि गंगा स्नान करके पुण्य एकत्र करें, और इस ग्रहण का राशियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. सबसे पहले हम आरंभ करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बताएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण किस प्रकार का परिवर्तन लेकर आएगा, तो सरकारी लाभ की स्थिति बनेगी, मानसिक चिंता में वृद्धि हो सकती है, दैनिक आय अथवा रोजगार में तनाव की स्थिति बनेगी, जो दैनिक आय है उसमें परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, और प्रेम संबंधों में अथवा दाम्पत्य जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इनके लग्न भाव और सप्तम भाव में राहु केतु की स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ सुख का कारक ग्रह चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, तो माता का स्वास्थ्य, पिता का स्वास्थ्य तनाव दे सकता है, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. इनके लिए सूर्य देव के मंत्र का जप करना चाहिए तथा हरी वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से फलदायी होगा. ग्रहण काल के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर यह दान करना होगा. वृषभ लग्न की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे, तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पराक्रम में वृद्धि होगा, भाई बंधुओं को लेकर के थोड़ा सा तनाव होता भी
दिखाई दे रहा है। गृह और वाहन सुख पर खर्च बढ़ सकता है, आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि की स्थिति बन रही है, पुराना रोग समाप्त हो सकता है। यह ग्रहण इनके लिए कुछ मामले में ठीक है तो कहीं नकारात्मक प्रभाव लेकर के आने वाला है। मानसिक चिंता से मुक्ति की स्थिति है। भाग्य में भाग्य का सकारात्मक साथ आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जप करें जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं। साथ ही में पीले वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभदायक होगा, जैसे पीला फल हो गया, हल्दी हो गया, पीला वस्त्र हो गया, इनका दान करेंगे तो आपका जो नकारात्मक प्रभाव है वह दूर होगा, सकारात्मकता आपको प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात करेंगे तो अचानक से क्रोध में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, साथ में मन अशांत रह सकता है, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, आय के संसाधनों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान एवं परिश्रम में वृद्धि का संकेत है, सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, और साथ ही साथ गृह और वाहन सुख को लेकर के भी तनाव हो सकता है, आपको यहाँ ध्यान देना होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्यगत समस्या हो सकती है क्योंकि आपके लग्न अथवा राशि के कारक बुध पीड़ित होंगे, तो बुध को मजबूत करने का उपाय करिए, हनुमान जी महाराज की उपासना करिए तथा लाल मसूर की दाल हनुमान जी के मंदिर में अथवा किसी भी गरीब को दान कर दीजिए ग्रहण काल के बाद। कर्क राशि की बात करेंगे तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल प्रद बना रहेगा, मनोबल कमजोर रहेगा क्योंकि आपका लग्नेश ही चंद्रमा है जो पीड़ित होगा, तो आपका स्वास्थ्य और आपका मनोबल तनाव दे सकता है, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, मन अशांत हो सकता है, कार्य करने का मन नहीं कर सकता, इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, तो आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव के मंत्र का, राहु के मंत्र का और चंद्रमा के मंत्रों का खूब जप करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान। साथ ही साथ काला तिल, नीला वस्त्र और लोहे का बर्तन आप किसी गरीब को दान कर दें तो बहुत अच्छा होगा ग्रहण काल के बाद। सिंह राशि की बात करेंगे तो आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, नए संसाधन बनेंगे आय के लिए, पराक्रम में वृद्धि होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कार्यों में प्रगति होगी, कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, साथ ही साथ मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न होगी क्योंकि आपके भी लग्नेश पीड़ित अवस्था में है, राहु से पीड़ित है, इसलिए थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मन अशांत आपका रह सकता है, लेकिन कार्य बनेगा। अगर आप उपाय क्या करेंगे, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, सूर्य के मंत्र का जप करिए, अपने इष्ट देव के किसी मंत्र का जप करिए, साथ ही साथ सरसों का तेल, वस्त्र सफेद रंग का, नीले रंग का, चावल और चीनी किसी गरीब को अगर दान करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम देगा, यह ग्रहण भी सकारात्मक परिवर्तन जीवन में लाएगा। कन्या राशि की बात करेंगे तो स्वास्थ्यगत समस्या आपको परेशान करेगी क्योंकि आपका लग्नेश पीड़ित हो रहा, अष्टम भाव में जा रहा है, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, पारिवारिक चिंता में वृद्धि हो सकती है, अचानक खर्च में वृद्धि की स्थिति बन सकती है, पारिवारिक विवाद की भी स्थिति बन सकती है, पेट और पैर की समस्या आपको तनाव उत्पन्न कर सकता है, कष्ट दे सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता की स्थिति है क्योंकि बृहस्पति भी पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना है। गणेश जी महाराज की आराधना करिए, बुध के मंत्रों का खूब जप करिए, चंद्रमा के मंत्र का खूब जप करिए, साथ ही साथ मसूर की दाल और रक्त चंदन का दान करना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक हो जाएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, छह राशियों का जिक्र आपने किया, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, छह और राशियां बची हैं, उनके बारे में भी लौटेंगे आपसे, हम पूछेंगे कि क्या करना है इन राशियों के जातकों को। लेकिन उससे पहले अरविंद जी, क्योंकि हम चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं और जब दान होता है तो जाहिर से बात है सूर्य ग्रहण में सूर्य का दान इंपॉर्टेंट हो जाता है, चंद्र ग्रहण में चंद्र का दान, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ग्रह, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे दिवाकर जी भी बता रहे हैं कि इसमें गुरु भी इफेक्ट हो रहा है, राहु का दान भी करना जरूरी है, तो किस किस ग्रह का दान करना होगा? देखिए ऐसा है कि चंद्रमा मेन दान तो चंद्रमा का करना होगा, लेकिन चंद्रमा के साथ आपको दान यदि करना है तो बुध का भी कर सकते हैं, दान राहु का भी कर सकते हैं और दान केतु का भी कर सकते हैं, इनका भी कीजिए। साथ में अभी मंगल परिवर्तन होने वाला है तो मंगल का भी आप दान कर सकते हैं। चंद्रमा का दान तो सभी बता रहे हैं और चंद्रमा में ही ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन केतु के साथ जो चंद्रमा ग्रसित है तो केतु का दान करेंगे तो यदि आपकी जन्म कुंडली में केतु अरिष्ट है, केतु खराब है, तो वह भी आपको जो है
प्रतिफल अच्छा प्रदान करेगा। राहु की स्थिति यह है ही कि जब राहु चंद्रमा के साथ ग्रसित होता है तो ग्रहण योग लगता है, तो राहु से संबंधित आप दान निकालिए, उससे आपका राहु शत प्रतिशत ठीक होगा। बुध की जो बात हो रही है तो बुध की स्थिति यह है कि बुध जो है हमारी खास करके वाणी का, विवेक का, बुद्धि का कारक ग्रह है और शरीर में खास करके त्वचा का विशेष वह कारक ग्रह है, और चंद्रमा हमारी कांति का, सुंदरता का कारक ग्रह है। तो बुध के दान से निश्चित रूप से शारीरिक स्थिति में किसी प्रकार की भी स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित यदि आपको कोई दिक्कत है तो शत प्रतिशत उसमें लाभ मिलेगा। बात यहां कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति से संबंधित दान यदि आप करते हैं तो पीले वस्तुओं का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें, पीले फल का दान करें, केला आदि जैसे हो गए, तो इससे आपका जो है बृहस्पति ग्रह सुनिश्चित रूप से ठीक होगा। अब यदि बात करें मंगल की, तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो ओज और तेज व्यक्ति के शरीर में देता है। जितने भी हमारे डिफेंस में होते हैं, सुरक्षा विभाग में होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, निश्चित रूप से उनमें जो है मंगल का खास रोल होता है। तो मंगल से संबंधित आप जो है, जैसे आपके चने की दाल है, लाल वस्त्र हैं, आपके लाल जैसे अनार आदि फल हैं, तो लाल वस्तुओं का आप दान करें, उससे निश्चित रूप से आपका मंगल ठीक होगा। बात करें यदि अपने शुक्र की, शुक्र और चंद्रमा का लगभग एक जैसा दान होगा। जैसे चंद्रमा के लिए आप चावल सफेद दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, तस्मई खीर दान कर सकते हैं, दही दूध दान कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आप यदि शुक्र का भी जो है दान करेंगे इन सफेद वस्तुओं से तो बिल्कुल। लेकिन विशेष करके ये कहा जाता है, जैसा कि आप लोग ही बता रहे हैं, कि चंद्रमा से जुड़ी जो वस्तुएं होती हैं उसका विशेष करके इस दौरान दान जो है वो किया जाता है, और अगर कोई भी करे उसको, किसी भी राशि के जातक अगर उसे करते हैं तो वो उनके लिए शुभ होता है। आचार्य जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आचार्य जी, दान की तो बात हो गई, अभी हमने राशिवार भी जाना कि किस तरह से किसको क्या दान करना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा संशय, अगर आप आज इस बात को भी आप दूर कर सके, कि दान किसे करना चाहिए, क्या जो नीडी है उसको करना चाहिए या फिर किसे करना चाहिए, ब्राह्मण को ही करना चाहिए। शास्त्र में कथा आती है वथा वृष्टि समुद्रेषु, जैसे वृष्टि समुद्र में की जाए तो बेकार है, इसी प्रकार से दिन में प्रकाश किया जाए तो बेकार है, इसलिए दान उसको किया जाए जो दान देने का अधिकारी हो, लेकर बेच दे उसको दान देने का अधिकार, जिसको भूख लगी हो को ही दान देने का प्रयास करना चाहिए, जो आपके दान का सदुपयोग कोई करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे किसी भी हमारे यहां वैश्विक तौर पे आने का प्रयास करोगे तो उसको कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए जिसको कहा जाता है आमतौर पे जो दान करना चाहिए, एक बात और समझ लें, हमारे यहां जो सूत्र आया है उस वो इस प्रकार से है कि ग्रहण के आरंभ में स्नान, ग्रहण के मध्य यज्ञ या जप, और ग्रहणांत ग्रहण जब समाप्त होने लगे, समाप्त हो जाए उसके बाद दान करने का प्रयास करना चाहिए। इसका कारण समझ लीजिए, हम दान जब दे रहे हैं तो क्या अपना भार उतार रहे हैं, सामने वाला भार ले ग्रहण काल में लेगा तो उसमें बेचारे में भार और ज्यादा चढ़ जाएगा। कम से कम ऐसा कर लें। आमतौर पर क्या होता है कि बड़ी विचित्रता लगती है कि ग्रहण काल में अपनी बला किसी और को टालने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्र यहां पर बहुत प्रमाणित है, ग्रहणांत ग्रहण के अंत में दान करने की बात की गई है कि भाई मैंने निकाल के रख दिया और उसको दे दी, जो बेचारा जिसको दे रहे हैं उस पर भी भार ज्यादा ना चढ़े, क्योंकि ये कर्म की फिलॉसफी है, बड़ी विचित्र तौर पे कर्म की फिलॉसफी है। आमतौर पे जो बेचारे अज्ञानी में है, अज्ञानता में है, वो इसको समझ नहीं पाते, जितना ले रहा है उसको देना भी पड़ेगा, नहीं देगा तो भोगेगा, इस बात को समझ लीजिए। और आमतौर पे इस चीज को बहुत देर बाद जब आयु निकल जाती तब जाके समझ में आता है, इसीलिए आमतौर पर उस दान को पचाने की भी शक्ति होनी चाहिए। आचार्य जी, साथ ही साथ ये भी बात बता दीजिए कि इसमें मात्रा का भी कोई मतलब होता है कि आपकी श्रद्धा कितना आपकी श्रद्धा की मात्रा में क्या देना चाहिए, श्रद्धा के अनुसार। अगर श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है, सामर्थ्य है, ऐसा नहीं कि उधार लेकर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सामने उधार लेकर, एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे लाइव कॉल किया, बहुत साल पहले की बात है, और उसने कहा कि महाराज मेरी बताइए आयु, मेरी माता जी की आयु है कि नहीं। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसने ऐसा प्रश्न क्यों किया, मुझे भी आश्चर्य लगा, मैंने कहा क्या बात है कि जायदाद वायदा का चक्कर है, बोला कि मेरी माँ मर गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे को बड़ा अजीब लगा। बोला नहीं, हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे को किसी व्यक्ति की मृत्यु पर पूरे गांव को खाना खिलाना पड़ता है। मैंने कहा ये मजाक नहीं है भैया, आपके पित्र आपकी तृप्ति के लिए भोजन करा रहे हो, लेकिन यहां तो आपने नाक का इशू बना रखा है। आपने नाक के लिए, कोई वहां उस पितात्मा के लिए खाना नहीं खिला रहे, आप अपनी नाक के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि आप खा के आए थे, आप खा के आए थे, ये परंपरा आपने वहां से निर्मित कर दी, तो आप कोशिश करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी सामर्थ्य हो उतना दान करने का। छोटा सा रिएक्शन, बिल्कुल मनीषा जी के पास जाना मुझे।
जी ये जो थोड़ी सी बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, जो श्वेता जी ने पूछा कि दान किसको देना चाहिए। देखिए दान के विषय में कहने के दाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते, दान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, लेकिन दान किसको देना चाहिए ये मेन बात आती है। मैं यहाँ पे जो कहता हूं कि जो आपको कुछ दे सकता है आप दान उसको दें। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा, ब्राह्मण के षडकर्म होते हैं, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। यदि कोई तपस्वी ब्राह्मण है और वह नैष्ठिक ब्राह्मण है, वह वेद पाठी ब्राह्मण है, यदि त्रिकालज्ञ संध्या नहीं करता है तो कम से कम एक काल संध्या करने वाला ब्राह्मण है, उसको आप दान दें, क्योंकि जिसको दे रहे हैं वह कुछ आपको आशीष दे, तभी वह दान आपका फलीभूत है। जो लाचार हैं, गरीब हैं, उनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा, उनसे आपको दुआएं मिलेंगी, उनसे आपको वह आशीष मिलेगा, लेकिन यथार्थ आशीर्वाद वो दे सकता है जिसके पास कुछ होगा। बिल्कुल, नंदिता जी के पास चलते हैं। नंदिता जी आप जी, कुछ कहना चाह रही थी लेकिन मेरा सवाल भी साथ ही सुन लीजिए, जो आपकी एक्सपर्टीज है मैं उसी पर सवाल में आ रही हूँ। आपने इससे पहले बताया ग्लोबली कितना असर होगा, भारत पर इस ग्रहण का कितना असर होगा, इसका भी जवाब साथ ही दे दीजिएगा, पहले अपनी बात रख लीजिए। जी देखिए, जहां तक दान की बात है, सबसे पहले तो ग्रहण का जो दान होता है, आप वैसे दान आप किसी ब्राह्मण को दे रहे हैं या योग्य पंडित को दे रहे हैं अलग बात है, लेकिन ग्रहण का दान हमेशा अधिकतर फल देता है जब आप सफाई कर्मचारी को देते हैं या जो आपके घर में सफाइयां करते हैं, जो निम्न लोअर वर्क करते हैं, जो वेजेस करते हैं, सर्वेंट्स हो गए, लेबर क्लास हो गई, आप उनको दें, जिनके पास दो रोटी नहीं है खाने के लिए और आप उनको अन्न जब दान करते हैं और दान देते हैं तब तनाजा का ग्रहण के टाइम पे। इंडिविजुअली अगर आपका कोई ग्रह खराब है आप उसका दान ठीक है अलग करें, लेकिन ओवरऑल एक ये जो मान्यता बनती है वो होती है सप्तनाजा की, क्योंकि राहु और केतु की प्रबलता रहती है इस वक्त में, तो सप्तनाजा का दान यानी कि सारे ही ग्रहों का मिश्रण हो जाता है उस दान पे, और उसको किसी नीडी व्यक्ति को और लेबर क्लास हो, सर्वेंट क्लास हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको दिया जाता है ग्रहण के दौरान का। बाकी टाइम पे आप किसी को कुछ दान दें वो अलग बात है। और अब आप बात कर रहे थे भारत की, तो भारत के लिए ये जो पूरा जो समावेश ग्रहण का इस समय बन रहा है, एक तो ग्रहण उपचायक ग्रहण है, वैसे नहीं दृश्य है भारत में तो सूतक वगैरह मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट अवश्य पड़ेगा। और इम्पैक्ट जब भी ग्रहण का पड़ता है, आप देखिए सत्ता पलट की मैं हमेशा बात करती हूँ, या सत्ता में कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव, पॉलिटिकल अपहीवल्स अभी महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। राजनेता की मृत्यु की बात करती हूँ तो अभी मनीषा जी ने भी बताया कि एक विशिष्ट राजनेता की मृत्यु हुई ग्रहण के ही दौरान, उन्हीं के आसपास पुतिन के ऊपर अटैक होने की बात चली है, वो हुआ नहीं हुआ किसने किया वो अलग बात है, बट देयर वाज अ असैसिनेशन इंपैक्ट और एफर्ट दैट वाज बीइंग डन। भारत में इस समय जो ग्रहण लगेगा वो आपके लगभग छठे भाव में बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड स्थितियों को लेकर के आ रहा है, और जब छठे भाव में आता है तो आपके कर्जों की, आपकी लीगल मैटर्स की, इन सारी चीजों में बहुत इंपैक्ट लेकर के आ जाता है। दूसरा, विदेश नीतियों में कहीं पे खट्टे कहीं पे मीठे अनुभव भारत को मिलेंगे, जैसे सूडान आदि की भी मैं बात कर रही थी, बिल्कुल सूर्य ग्रहण के आसपास सूडान में भी इसी तरह के इंपैक्ट हुए, लेकिन हमारी विदेश नीति बिकॉज सूर्य वहां पे उच्च के बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा एफर्ट हुआ और निकल के आए, लेकिन अभी इसमें भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो या विदेश नीति हो वहां पे लांछन लगने की भी स्थितियां भी इस समय बन रही हैं, थोड़ा सा समझ के रहना पड़ेगा। सरकार बैकफुट में जा सकती है, विधि के मामले सुप्रीम कोर्ट एक्टिवेट हो जाएगा जी।